हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे मिन मस्त होंगे। तो गाइस, सो करके तो हम कब के उठ गए और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:38। तो गाइस अभी चलते हैं, फटाफट ब्रश करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो देखिए, मम्मी अभी फिलहाल नहा के आई हुई है, एकदम ठंडा लग रहा है तो हाथ मम्मी गैस में सेक रही है, इसके बाद पूजा करेगी। चलिए मम्मी पूजा तो कर ली और अभी फिलहाल ध्यान में बैठी हुई है। और इधर देखिए, हम अपना ब्लॉग चला दिए मोबाइल में भैया का, ये देखिए एक बार चल गया, फिर से चला दिए ताकि वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। वो 1K सब्सक्राइबर वाला ही है, ब्लॉग कल छोड़े थे ना, उसी का ब्लॉग देख रहे हैं। तो अब चलते हैं, ब्रश करते हैं। तो चलिए गाइस, ब्रश तो कर लिए हैं और फिलहाल प्लेट लेते हैं, उसमें लड़ुआ खाया जाएगा। अभी मम्मी जस्ट पूजा करके आई हुई ना, तो नाश्ता बनाएगी, थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, धूप में बैठेगी, फिर इसके बाद नाश्ता बनाएगी। तो चलिए प्लेट ले लेते हैं। दोनों के मम्मी इसी में बोलेंगे, लड़ुआ खाया जाएगा। ये रहा तिल वाला लड़ुआ, ये रहा तिल वाला लड़ुआ, और इधर देखिए ये हो गया चूड़ा वाला। तो देखिए, धूप तो खिल गया है बट हमारे छत पर ही धूप नहीं आया है, कहीं कहीं दिख रहा है। इधर देखिए मम्मी यहाँ पे खड़ी है, थोड़ा सा यहाँ धूप है तो ये बैठते हैं हम लोग, बिछा के खाते हैं। लड़ुआ खाने के बाद कुछ हमारा मुंह इस प्रकार दिख रहा है। चलिए खा तो लिए। तो चलिए, खाना तो बन गया है और मम्मी खाना लेकर के ऊपर चली गई और फिर हम नीचे आए हैं पानी ले जाने के लिए। देखिए डब्बा में पानी ले लिए, ऊपर में बैठ के हम लोग खाते हैं। चलिए डब्बा को फिलहाल यहीं पे रख देते हैं और मम्मी खाना लेकर के तो आ गई है और गट्टा भी बिछा दिया, तो यहाँ पर बैठ के हम लोग खाते हैं। खाना में है चावल और सब्जी और ये ग्लास में दाल है। तो गाइस अब आते हैं फटाफट नहा करके, वैसे मौसम तो मस्त किया है, एकदम धूप खिला हुआ है। तो फाइनली गाइस नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और फिर से वही हम शर्ट डाल लिए क्योंकि ये गंदा नहीं हुआ था। और अभी फिलहाल छत पे आए हैं, मम्मी देखिए यहाँ पर अभी लेटी हुई है, मस्त धूप किया है। तो अब चलते हैं खाने के लिए। देखिए मम्मी तो उठ गई और खाना लेकर के आ गई है, तो दोपहर के खाना में भी है सब्जी, रोटी और चावल। तो चलिए फटाफट खाते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल शाम हो गया है और अभी फिलहाल गाइस हम जा रहे हैं मार्केट मम्मी के लिए एक पानी लाने के लिए, हाइड्रोजन वाला पानी। तो गाइस इस पानी के यूज करती है मम्मी बाल को वाइट करने में, हाइड्रोजन वाला पानी होता है और एक पत्थर आता है, दोनों को मिला करके बाल में लगाती है ना, तो वो सही हो जाता है। तो हम मार्केट तो पहुँच गए हैं, तो चलिए दुकान भी आ गया है। यही है हाइड्रोजन वाला पानी और हम अपने साथ में एक ये देखिए बिच्छू है और चाइना पोल मोती जो होता है ना, छोटा छोटा पानी में डालने फूलता है, उसको भी ले लिए हैं। तो चलते हैं। तो गाइस हम दूसरे गली तरफ से आ रहे हैं क्योंकि उस गली तरफ में गाड़ी लगा हुआ था तो उधर नहीं ढुकता साइकिल, इसलिए हम इस साइड से चल रहे हैं पीछे वाले गली। ये भी हमारे घर के पास से निकलता है, दो दो गली है। ये देखिए अभी अंधेरा, इसलिए हमारा घर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा कहाँ है, लेकिन चल के आप लोग को दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा कुहेसा बढ़ा रहा है, ये देखिए हमारा घर आ गया ना, ये वाला गली है, उधर गाड़ी लगा हुआ था, हटा के नहीं गाड़ी, लो इधर से हम आए और गाड़ी भी हट गया, देखिए नहीं लगा है कुछ। चलिए छोड़िए। तो फिलहाल मम्मी का पानी यहाँ पर रख देते हैं, अब इसको लेकर के चलते हैं पानी में डाल देंगे, देखते हैं कब तक ये फूलता है। वैसे आज तक तो नहीं है फूल पाएगा, हमको पता है। चलिए कोई कटोरा हम ले लेते हैं जिसमें यूज नहीं हो रही है यार, तो क्योंकि भड़क रहा है ये प्लास्टिक वाला, इसको यूज कम करते हैं हम लोग, तो इसी में पानी डाल के फुला देते हैं, देखते हैं कब तक नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल पानी ले लिए हैं कटोरी में और स्टैंड की मदद से कैमरा मोबाइल को रखे, ये देखिए अब इसको फटाफट फाड़ते हैं। वैसे वाटर बॉल का यूज़ बचपन में बहुत ज़्यादा हम किए थे, बचपन में ढेर सारा खरीद लेते थे, रात को पानी में डाल देते थे फूलने के लिए, और उसके बाद अपने आप बड़ा हो जाता था, अच्छा खासा बड़ा हो जाता था। और उसके बाद आज बहुत दिन के बाद हमको ये दुकान गए ना वो मम्मी के लेने के लिए वाटर पानी वो वाला, तो हमको ये भी दिख गया, तो सोचे चलिए ले लेते हैं। वैसे ये वाटर बॉल ज़्यादा नहीं था, बस इसके साथ में था, ये बिच्छू के साथ में, तो कहें चलो दोनों को ले लेते हैं। ये बिच्छू भी कुछ बड़ा होता है, पहले भी होता था, अब भी बड़ा होता है, अब देखिए क्या है पता नहीं। बचपन में तो बहुत ज़्यादा यूज करते थे ये सब, तो अच्छा खासा लगता था देखने में, छोटा डालते तो हो जाता था बड़ा, और बचपन के बाद आज खरीदे हैं। अब आज का बचपन के एक्सपीरियंस और आज का देखते हैं क्या होता है। वैसे एक्साइटेड तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन में तो बहुत ज़्यादा यूज किए है ना, तो उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसको डाल दिए पानी में,
ये देखिए पानी के अंदर जाने के बाद ये स्लिप करने लगा एकदम, बिच्छू पता नहीं इसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ा होगा जिसके कारण स्लिप कर रहा है। ये देखिए कितना छोटा बिच्छू है, अब देखते हैं ये रात भर में इसका क्या होता है, कितना बड़ा होता है। वैसे इसको रखने के लिए कोई सेफ जगह रखना होगा, नहीं तो पानी गिर जाएगा तो बस फूल वो नहीं करेगा वैसे ही रह जाएगा, हमको लगे खराब दे दिया है। तो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं कहीं अच्छी जगह पर रखते हैं। कहाँ रखें, इसे पलंग के नीचे रखना सही रहेगा क्योंकि हम लोग तो इधर उधर रहेंगे, पलंग के नीचे कोई भी नहीं जाएगा, बस चूहा कुछ इसके साथ मजाक ना करे बस। हे गणेश भगवान जी, चूहा तुम कुछ मत करना यार, अभी सेफली रहे। और इधर देखिए अभी फ़िलहाल मम्मी खाना बना रही है, रोटी रात का तैयारी हो रहा है। लीजिए लाइन चला गया, इमरजेंसी हम कॉल रहे हैं मम्मी को खाना बनाने के लिए। पता नहीं इसी टाइम में रोज़ लाइन चला जाता है, और इसी टाइम नहीं मतलब जब मन तब भी चला जाता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि 7 बजे जाएगा, जब मन तब चला जाता है। वैसे हम अपना खाना भी निकाल लिए, दूध रोटी और सब्जी, तो चलिए खाते हैं। तो गाइज अब लाइन तो 8 बजे किधर आने वाला है नहीं, अभी फिलहाल हम छत पर आए हैं गाइज वीडियो को एडिट करने के लिए। तो गाइज चलते हैं वीडियो को फटाफट एडिट करते हैं और गाइज ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हम गए चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद। और ये देखिए क्या है, खाने वाला चीज़ ही है जिसके ऊपर तिल लगा हुआ है, क्या है वैसे आप लोग कमेंट करिए।